हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी लाइट चली गई है। 5:30 बजे चल जाती है, कभी कभी जाती भी नहीं रहती है 8-9 बजे तक। और 5:30 बजे लाइट जा चुकी है और मैं नहा के आ गई हूँ। लड्डू गोपाल को भी जगा दिया है और अब करते हैं। मुझे स्कूल जाना है, अभी मेरी छुट्टियां नहीं पड़ी, वीर की तो हो गई है। मतलब मेरे स्कूल में जो बच्चों की छुट्टियां तो पड़ गई हैं, टीचर्स की 31 तारीख तक जाना है टीचर्स को, 31 मई तक। राधिका के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज उदय का और राधिका का पेपर है, दोनों जाएंगे स्कूल में, राधिका और उदय। तो आज ना हमारे स्कूल में सभी टीचर्स कुछ ना कुछ बना के लेके आएंगी घर से, तो हम सब एक साथ लंच करेंगे। वैसे मैं लेके जाती नहीं हूँ लंच, पर आज सब टीचर्स बोल रही थी कि एक साथ लंच करेंगे, तो सब कुछ ना कुछ अलग अलग बना के लाएंगी मुझे। तो मुझे कहा कि आप कढ़ी और चावल बना के लाना, तो इसलिए मैं कढ़ी और चावल बना के लेके जाऊंगी। बाकी सब टीचर अलग अलग लेके आ रही है बना के, तो मुझे कढ़ी और चावल कहा था स्पेशली कि मैम आप कढ़ी और चावल बना के लाना। तो मैं बनाती हूँ कढ़ी और चावल स्कूल में ले जाने के लिए, और कढ़ी एक्स्ट्रा बना लूँगी दोपहर तक के लिए हो जाएगी हमारी। ये ले ली है छाछ, फ्रेश छाछ है जो कि मैंने अभी बिलोई थी दही, तो उसकी छाछ है ये। कढ़ी का घोल तैयार करती हूँ। और चावल मैंने पहले भिगो लिए थे, नहाने गई थी ना, उससे पहले भिगो के चली गई थी। चावल ही भिगो रखे हैं कढ़ाई में, क्योंकि ये भिगोने पड़ते हैं चावल 1 घंटा पहले, तो मैं नहाने से पहले भिगो के गई थी चावल और दही वही सब नहाने से पहले करके गई थी। तो बस अब आते ही लग जाती हूँ मैं अपनी। लड्डू गोपाल को मैंने जगा दिया है, उनको जल्दी आई हूँ, अब उनको दिखाऊंगी थोड़ी देर में दूध, तब तक मैं कढ़ी का घोल तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बना, ये कढ़ी का घोल कर दिया है तैयार, और ये पकौड़ी बनाने के लिए कढ़ी में जो पकौड़ी डलती है, चूल्हे में जला दी है आग और रख दी है कढ़ाई। अभी कढ़ाई में पानी है क्योंकि धो के रखी है ना मैंने, गिरा दी। तो डाल दिया है कढ़ाई में तेल, और यहाँ पे ले आई हूँ सारा सामान कढ़ी बनाने का, और पकौड़े तलती हूँ, बस तेल गर्म होने का इंतजार है। ये लकड़ी भी लगा देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, तेज आग जल जाएगी। सूर्यदेव भी उदित हो गए हैं, तो मैं फिर लड्डू गोपाल को भी आ लिया हूँ बाहर थोड़ी देर के लिए, फिर ठंडी हवा चलती है ना सुबह के टाइम, तो बाहर बैठा दिया। तो ये बनाने लग गई हैं पकौड़ियाँ, कढ़ी में आ गया है उबाल, और इसमें डाल देती हूँ ये पकौड़ी। क्या खाया? पकौड़ी खा लो। और उदय और राधिका जा रहे हैं, ये ब्रेड सेक दिए इनके लिए मैंने, ब्रेड और एक केला लेके जाएंगे बनाना। ये दोनों एक एक बनाना और ब्रेड ले जाएंगे सॉस के साथ। ये बनाना बॉक्स में रख देना उदय का। ये बन गई है और चूल्हे से उतार दी है, वहाँ पे चावल बनाने के लिए मैंने पानी रख दिया है चूल्हे पे। मैं बनाऊंगी चावल, ये रख दिया है पानी चावल के लिए, और ये कढ़ी बन चुकी है। कढ़ी में मैं तड़का लगाऊंगी, हमारे स्टाफ में एक टीचर मेरी तरह लहसुन प्याज का खाना नहीं खाती, तो उनके लिए मैं अलग से बिना लहसुन प्याज का कढ़ी निकालूंगी। अभी मैंने बिना सिंपल छोंकी कढ़ी, और उनके लिए मैं केवल टमाटर का और हींग का तड़का लगा कर लेकर जाऊंगी, जो जो लहसुन प्याज नहीं खाती, और बाकी जो सब टीचर्स खाती है, तो उनके लिए मैं लहसुन प्याज का तड़का लगा कर ले जाऊंगी, यानी दो जगह जाएगी कढ़ी। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ी में तड़का लगाने के लिए लहसुन प्याज का छोंक करने लग रही हूँ तैयार, और इसमें डालूंगी ये टमाटर
और मेरे स्टाफ में एक टीचर बिना लहसुन प्याज का खाना खाती हैं, तो उनके लिए केवल टमाटर का तड़का लगाकर अलग से कढ़ी निकाल ली है मैंने और अलग टिफिन में रख दिया है ये। और यहाँ पे देखिए छौंक तैयार होने लग रहा है और इसमें अब मैंने छौंक हो गया है तैयार। इसमें मैंने टमाटर डाल के कश्मीरी मिर्च डाल दी है ताकि अच्छे से कलर आ जाए कढ़ी में। और ये हमारा छौंक अच्छे से हो गया है तैयार। अब डाल देते हैं इसको कढ़ी के अंदर। कढ़ी मैंने भारी रखी हुई है कढ़ाई, तो ये रही हमारी कढ़ाई। और यहाँ पे मम्मी मेरी चावल बनाने में हेल्प कर रही हैं। चावल बन चुके हैं चूल्हे पे बनाए, बिना मांड वाले चावल जो छान देते हैं ना, मांड अलग कर लेते हैं वो वाले, क्योंकि कुकर में बने हुए चावल हर किसी को पसंद नहीं होते, ये वाले चावल तो सभी खा लेते हैं। तो ये मैंने अलग से छान दिए, मतलब मम्मी ने मेरी हेल्प कराई। और यहाँ पे देखिए पैक कर लिया है मैंने सारा खाना, ये डिब्बे में कढ़ी रख दी है, काली पन्नी के अंदर अलग कढ़ी है जो बिना प्याज वाली, डिस्पोजल भी रखे हैं और बड़े कटोरदान में मैंने रख दिए हैं चावल, ये डिस्पोजल है इसमें खाना खाएंगे हम। तो मैं हो गई हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए। और देखिए मेरा बेटा अभी तक सो रहा है, मेरे मोहन बैठे हैं। राधे राधे मोहन, राधे राधे। मैं जा रही हूँ स्कूल में। चलाऊं? चला राधिका। तो शाम का टाइम हो रहा है, पूरे 6 बज रहे हैं और आने के बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। देखिए सूर्य देवी छिपने वाले हैं। 6:45 हो रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? 7:45 बज रहे हैं। और स्कूल से आने के बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं की। देखिए अलार्म में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो ये चेक कर रहे हैं करो। तो यहाँ पर अलार्म देख रहे हैं हम, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो हस्बैंड यार जल्दी आ गए हैं ड्यूटी से, पानी काफ़ी निकल गया था ना, अलार्म नहीं बोल पाया था जिसकी वजह से पानी निकल गया टैंक से। तो वही चेक कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आई। मुझे धोनी है हस्बैंड जी की यूनिफॉर्म, क्योंकि ये कल फिर ड्यूटी पे जाएंगे तो पहनने को चाहिएगी। और अंदर का दरवाजा खोल देते हैं और लाइट कर देते हैं ऑन। और वहाँ पे मुझे पानी सोख रहा है, ओवरफ्लो हो गया था ना उसमें, अलार्म में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया, पता नहीं चला पानी का मुझे, तो ये पानी सोख लेती हूँ झाड़ू से। तो यहाँ पे पानी सोखने लग रही हूँ मैं। आज हमारे अलार्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो ओवर फ्लो का जो अलार्म होता है टैंक भरने के बाद जो बोलता है ना अलार्म, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाया और पानी ओवरफ्लो हो गया। तो अब यहाँ पे सोखने लग रही हूँ मैं। मम्मी से जिद कर रहा है, मम्मी मना कर रही है। कहाँ जाना है? मंदिर। किसके साथ? पापा। पापा तो गए? नहीं बेटा। किसके साथ जाओगे आप? अब पापा तो चले गए ना। ये देखो चुप हो जाओ नानो। थका हो गया मेरा, खाना वाना खा लिया है, किचन भी क्लीन कर ली है। और ये मैंगो दिखाई दे रहे हैं तो मैं बनाने लगी हूँ मैंगो शेक, अभी बना कर रखूंगी सुबह के लिए। बच्चे भी नाश्ते में ले रहते हैं नाश्ते के साथ, तो सुबह टाइम लग जाएगा बनाने में, तो इसलिए भी बनाकर फ्रिज में रखूंगी ताकि ठंडा रहे। और हस्बैंड जो बीर को अभी पीना है, वे कह रहे हैं कि हमें अभी पीना है, तो उनको अभी बनाकर दे दूंगी मैं। दूध नहीं लेंगे, वे मैंगो शेक ही दे रहे हैं, तो बाकी सुबह के लिए काम आ जाएगा। तो मैंगो शेक बनाती हूँ। ये बना लिया है मैंने मैंगो शेक, बीर को देने लग रही हूँ मैंगो शेक। ले बीर। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा आज का लंच स्कूल में। सभी टीचर अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आई हुई थी, तो अब यहाँ पे हम सब एक साथ मिलकर लंच कर रहे हैं। आज हमारा जो स्टाफ था सारा स्टाफ नहीं आया था, कुछ टीचर्स नहीं आई हुई थी, और जो सर थे सर बाहर बैठे हुए थे, उनको हमने वहीं पे दे दिया था जो भी खाना पीने का चीज़ें थी। तो यहाँ पे ये पिक्स दिखाई दे रही है ना आपको, जिसमें मैंने साड़ी पहनी हुई है। तो हमारे स्कूल में पीटीएम था 25 को, तब की पिक्स है, 25 मई को, 25 मई को पीटीएम था, तब की ये पिक्स है ये। और पीटीएम होने के बाद फिर हम सब टीचर ने एक साथ फ़ोटो खिंचवाई। और पहला पीटीएम था मेरा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम टीचिंग की है तो ये मेरा फर्स्ट पीटीएम था। ये वाला फ़ोटो मैंने घर आके खींचा,
तो बस आज की वीडियो ब्लॉग का भी यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं कल को आपसे फिर से एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, थैंक यू।